आज मैं अपनी इस वीडियो में बाइसेक्सुअलिटी के ऊपर बात करने वाली हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम मुझे बाइसेक्सुअलिटी के बारे में जानना है कि बाइसेक्सुअल लोग किसे कहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, लेकिन हो सकता है कि काफी लोगों के मतलब की इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर कोई जानना चाहता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करे, वरना वो स्किप कर सकता है। तो बाइसेक्सुअल मतलब वो व्यक्ति जो यौन संबंध बनाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों के साथ ही कंफर्टेबल फील करता है, सहज महसूस करता है। तो उसका दोनों के साथ ही सहज फील करना ये दर्शाता है कि वो बाइसेक्सुअल प्राणी है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सामने वाला है उसका सामान बिल्कुल मेरे जैसा है या मेरे से बिल्कुल विपरीत है। वो इंसान है ना, बस उनके लिए इतनी वजह काफी है। अगर वो सामने वाला भी उनके साथ कंफर्टेबल है तो वो इंटीमेट हो जाते हैं, बेड शेयर कर लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे लोगों के खान पीन में, उनके रहन सहन में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, सेम इसी तरह से सेक्सुअलिटी में भी विभिन्न प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। अगर हम सिर्फ बाइसेक्सुअलिटी की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है, जिनके बारे में मैं अब आपको बताने वाली हूं। तो नंबर वन, इमोशनल बाइसेक्सुअल। ये इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो किसी भी पुरुष या स्त्री के साथ पूरी तरह से डूब कर प्यार करते हैं, लेकिन जब बात आती है सेक्स करने की तो वो सिर्फ किसी एक जेंडर को चुनते हैं और उसी के साथ ही सेक्स करते हैं। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। दूसरा, इंटीग्रेटेड बाइसेक्सुअल। ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक ही टाइम में, एक ही समय में पुरुष और स्त्री दोनों को ही डेट कर रहे होते हैं। अगर वो दिन में पुरुष को डेट कर रहे हैं तो रात में किसी महिला को डेट कर रहे हैं, या एक दिन पुरुष को कर रहे हैं और एक दिन किसी महिला को डेट कर रहे हैं। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें रसमलाई और जलेबी दोनों का आनंद चाहिए होता है, कोई नहीं एक दिन बाद मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मिल तो रही है ना। तो इस तरह के सोच के लोग होते हैं, उन्हें दोनों के साथ ही इंजॉय करना होता है, मतलब लेना भी होता है और देना भी होता है, ठुकाई करवानी भी होती है और ठुकाई करनी भी होती है। नाउ थर्ड इज एक्सप्लोरेशन बाइसेक्सुअलिटी। इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नेचर के होते हैं, वो हर तरह की सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको एंजॉय करना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि स्ट्रेट है, गे है या लेस्बियन है, लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंटल नेचर का है तो वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ जो किसी और जेंडर से बिलोंग करता है वो उसके साथ सेक्स कर लेते हैं, अपनी इस उत्सुकता को शांत करने के लिए। वही उत्सुकता कि किसी और सेक्सुअलिटी को एक्सपीरियंस करने की। फॉर एग्जांपल कोई लेस्बियन है जिसका जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, जो कंफर्टेबल ज्यादा लड़कियों के साथ ही करती है यौन संबंध बनाते हुए, लेकिन मन में आया यार लड़कों के साथ कैसा लगता है, या लड़कों के साथ करके तो देखूं, अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए कि जरा देखूं तो सही, इस धरती पे जन्म लिया है, जरा इसे टेस्ट करके देखूं कि मुझे कैसा लगता है। वैसे तो मैं कंफर्टेबल हूं नहीं, मुझे तो लड़कियां ही पसंद है और मैं लड़कियों के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल हूं, लेकिन अब जब जन्म लिया ही है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है, क्या मैं लात मार के भगा दूंगी उसे या बाहों में भर लूंगी उसे, जरा पता तो लगे। तो उस सेक्सुअलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, डिफरेंट जेंडर को, तो करते हैं, कर लिया एक या दो बार। नाउ फोर्थ कैटेगरी इज रिक्रिएशनल बाइसेक्सुअल। देखो इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति हेटरोसेक्सुअल ही होते हैं, उनका जो अट्रैक्शन होता है वो अपोजिट जेंडर की तरफ ही होता है, सेम जेंडर की तरफ बिल्कुल नहीं होता। लेकिन चलो मौज मस्ती हो रही है, हाई लेवल पार्टी चल रही है, करण जोहर टाइप, जिसमें ड्रग्स वगैरह का भी आदान प्रदान हो रहा है, लिया जा रहा है, चस्के लगाए जा रहे हैं, दारू शारू हुक्का हुक्का सब चल रहा है। तो जब ड्रग्स का नशा ऑलरेडी दिमाग पे चढ़ा हुआ है तो लड़की लड़की के साथ भिड़ी हुई है, लड़का लड़के के साथ भिड़ा हुआ है, किसको पता चलता है? खाने में आप कुछ भी परोस दो लाके किसको दिख रहा है कि क्या है वो? चिकन मटन खाने वाले के सामने आप केंचुए सांप झींगा कुछ भी लाके रख दो, उसको सब हजम है उस वक्त, इतना नशा है उसे उस वक्त। तो ये रिक्रिएशनल बाइसेक्सुअल होते हैं, जो नशे में होते हैं पता ही नहीं लगता हो क्या रहा है, बस मस्त। अब ये मत बोलने लग जाने के लिए हम आपने ड्रग्स भी लिए क्या, आपको कैसे पता है ना, आपका हमेशा यही रहता है मैं किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दू, आपको कैसे पता ये ऐसे हो जाता है जी।
नाउ फिफ्थ इज आइसोलेटेड बाइसेक्सुअल। लगभग 100% गे, स्ट्रेट, लेस्बियन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने पास्ट में कभी अन्य जेंडर के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस लिया होता है, लेकिन वो उनका पास्ट ही होता है, अब उनका कोई लेना देना नहीं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, बाल बच्चों वाले हो गए हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है, आज उनका कोई लेना देना, आइसोलेटेड हो गए हैं। नाउ सिक्स्थ इज मोटिवेशनल बाइसेक्सुअल। इस तरह की कैटेगरी में वो महिलाएं आती हैं जो किसी दूसरी महिला के साथ सेक्स करती है, बेड शेयर करती है, और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनके हस्बैंड की फैंटेसी है जी, वो देखना चाहते हैं अपनी वाइफ को किसी और लड़की के साथ बेड शेयर करते हुए, किस करते हुए, स्मूच करते हुए, लिपटा चिपटी करते हुए, कि भैया एक बूब्स दूसरे के साथ जब टच होता है तो कैसा लगता है, जब फिंगरिंग होती है तो कैसी लगती है। अब ऑन स्क्रीन तो भैया मजे लेता ही रहता हूं मैं, देखता ही रहता हूं दो लड़की को करते हुए, अब सामने भी तो देखने का मजा लेना है, अब किसको बोलूं, किस पड़ोसन को बोलूं, किस फ्रेंड को बोलूं जाके, अपनी वाइफ से बढ़िया और कौन हो सकता है फिर। चलो करो माइंड प्रिपेयर, आखिर मेरी वाइफ है, जब मैं करवाना चाहता हूं तो क्यों नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी, बात करके देखते हैं। और जो फीमेल ऐसी होती हैं जो अंडर प्रेशर में आकर स्टेप ले लेती हैं, तो वो एक तरह से बाइसेक्सुअलिटी है कि वो अपने हस्बैंड के साथ भी इन्वॉल्व है फिजिकली और किसी लड़की के साथ भी कर रही है, तो ऐसा भी होता है। इनको मोटिवेशनल बायसेक्सुअल कहते हैं, जो किसी ना किसी के प्रेशर में आके फिर करते हैं मोटिवेट होके, और मोटिवेशन उसे किसी भी तरह का दिया जा सकता है, उसे खुश रख के, उसे प्रेरित करके, उसे मुंह भी दिखा के, वट एवर उसका माइंड सेट करने में। अगर उसकी वाइफ थोड़ी सी भी बोल्ड है, ओपन माइंड सेट की है, तो हो जाती है रेडी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती उसमें, चलो ठीक है देखते हैं करके कैसा लगता है। नाउ सेवंथ एंड लास्ट इज ट्रांजिशनल बायसेक्सुअलिटी। देखो मैंने अपनी एक सेक्सुअलिटी, व्हाट इज योर सेक्सुअलिटी, इस वीडियो में जो कि मैं ऑलरेडी एक साल पहले बना चुकी हूं, जिसमें मैंने विभिन्न प्रकार की सेक्सुअलिटी को एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, डीप में एक्सप्लेन नहीं करा था। उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि जैसे जैसे एक व्यक्ति के जीवन काल में उसके खान पीन में, उसके रहन सहन में बदलाव आता है, कि पहले झोपड़े में रह रहे थे अब बिल्डिंग खड़ी कर ली, या पहले ऑटो में जाया करते थे अब गाड़ी बना ली, पहले कुर्ता पजामा पहने करते थे अब पैंट शर्ट में आ गए, पहले औरत जो है वो साड़ियां पहना करती थी अब वो मिनी स्कर्ट में आ गई, तो सेम इसी तरह से किसी इंसान की सेक्सुअलिटी में भी बदलाव आ सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई स्ट्रेट है तो वो जिंदगी भर स्ट्रेट ही रहेगा, हो सकता है उसकी सेक्सुअलिटी चेंज हो जाए, वो गे हो जाए, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि अगर कोई गे है तो वो जिंदगी भर गे ही रहेगा, हो सकता है वो स्ट्रेट हो जाए कंप्लीट, कि नहीं बस हो गया अब एक ही जीवन साथी इसी के साथ ही नैया पार करनी है, तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह की कैटेगरी में जो लोग आते हैं उसे ट्रांजिशनल बाइसेक्सुअल कहते हैं। इस वीडियो के लास्ट में देखो मैं यही कहूंगी कि अपनी सेक्सुअलिटी को कभी मत छुपाओ, आपकी सेक्सुअलिटी आपकी पहचान है, अगर आप अपनी सेक्सुअलिटी को छुपाते हो तो आपको अपने घर वालों के, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास रहकर भी उनसे दूर रहना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर आप किसी बेस्ट काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही स्वीकारें, आईने में जो दिखाई देता है ना व्यक्ति वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाइसेक्सुअल है, लेस्बियन है, गे है, इंसान है ना, बस इतनी वजह काफी है। प्राउड योरसेल्फ, ऑलवेज प्राउड योरसेल्फ, क्योंकि जो आप है वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए।